What's up and welcome back to yet another video on Streets to Savories. I hope you all are doing great. So for this video, we are going to explore a hidden gem, Food Ambassador, which is in Paschim Vihar. And if I talk about its location, then Paschim Vihar metro station is walking distance. The exact location in the description box. Do check it out. And if I talk about food, then in this video, I am going to show you something very interesting and delicious. Like Shawarma Burger, Kurkure Momos, Chilli Paneer Momos and aur bhi bahut kuch. To fatafat se chalte hain aur khana try karte hain. चिकन मोमोज, चिकन कुरकुरे मोमोज, ये है चिली पनीर मोमोज और साथ में मैंने लिया ये शोरमा बर्गर. तो ये मैंने स्टार्टर्स ऑर्डर करे हैं और दिस इज द ड्रिंक. तो सबसे पहले मैं ट्राई करने वाली हूँ ये कुरकुरे मोमोज. तो इन कुरकुरे मोमोज के साइज़ की अगर मैं बात करूँ, काफ़ी अच्छा साइज़ है, बहुत ज़्यादा बड़े हैं. और इनको बनाने के लिए इन्होंने नॉर्मल चिकन मोमोज को, ये चिकन कुरकुरे मोमोज है तो इनको अच्छे से पहले कोट करा है बैटर में और फिर ऊपर कॉर्नफ्लेक्स लगाए हैं और ये अंदर चिकन की स्टफिंग है. काफ़ी ज़्यादा जूसी लग रहा है मुझे तो ये देखने में. काफ़ी अच्छे से स्टफिंग करी हुई है, बिल्कुल भी कन जूसी नहीं करी हुई है. बहुत सही लग रहा है ये. मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ इसको साथ में. ये भी इसके साथ में ये इन्होंने स्पाइसी वाली चटनी और ये मेयो सर्व करी है. एक बार ट्राई करते हूँ मैं इसको. तो ये जो कुरकुरे चिकन मोमोज हैं इसके अंदर काफ़ी अच्छी स्टफिंग हुई हुई है और बहुत ज़्यादा जूसी है इसके अंदर का चिकन. प्लस साइज़ काफ़ी अच्छा है और क्वालिटी भी मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी. और ये जो चटनी है ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, तो अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हो तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो और मेयो के साथ मोमोज इन्जॉय कर सकते हो. नेक्स्ट स्टेप पे ट्राई करने वाली हूँ ये चिली पनीर मोमोज. और इसका भी अगर मैं आपको साइज़ दिखाऊँ ना, ये इतना बड़ा एक ही मोमो है. लुक एट द साइज़, कितना ज़्यादा सही लग रहा है ये. प्लस जैसे नॉर्मल चिली पनीर बनता है वैसे ही इसको बनाया है. इसके अंदर अनियन है, कैरेट्स हैं, कैप्सिकम है और चिली पनीर की ग्रेवी में इसको टॉस करा है. तो मैं एक बार इसको भी ट्राई करके देखती हूँ. इसके अंदर पनीर की बहुत अच्छी सी स्टफिंग हुई हुई है, तो एक बार मैं ट्राई करती हूँ इसको. इसके अंदर जो पनीर की स्टफिंग हुई हुई है काफ़ी ज़्यादा फ्लेवरफुल है. प्लस बहुत अच्छी क्वांटिटी में करी हुई है और ये जो सारे वेजीज़ हैं ये बहुत अच्छा क्रंच दे रहे हैं इसको. प्लस ये पहले इन्होंने फ्राई करा है, उसके बाद इन्होंने इसको अच्छे से चिली पनीर की ग्रेवी में टॉस कर कर दिया है. आई रियली लाइक्ड इट. तो आप भी अगर वेजिटेरियन हो और आपको चिली पनीर पसंद है तो आप ये चिली पनीर मोमो ज़रूर आकर ट्राई करना है. तो नेक्स्ट अप जो है मेरे पास, दिस इज़ शोरमा बर्गर. और इसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज दिस इज़ समथिंग वेरी यूनिक जो मैंने अभी तक नहीं ट्राई करा है. तो इसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इन्होंने सबसे पहले ये शोरमा जो है उसको अच्छे से चिकन को ये मिंस करा हुआ है और उसके ऊपर मेयोनीज़ लगा के ये चिकन शोरमा डाला है. दिस इज़ मिंस चिकन और ऊपर से इन्होंने तंदूरी सॉस भी डाली है. सो दिस इज़ अ
शोरमा बर्गर, तो मैं एक बार इसको ट्राई करती हूँ। तो इस शोरमा बर्गर के अंदर जो इन्होंने चिकन डाला हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा जूसी है, और उसका बहुत अच्छा फ्लेवर, और थोड़ा उसमें जो स्पाइस डली हुई है उसका बहुत अच्छा मुझे फ्लेवर पता चल रहा है। रियली लाइक इट। शोरमा जैसा तो एकदम आप नहीं मैच कर सकते हो, बट बर्गर के साथ में ये मिन्स चिकन का कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सो आई रियली लाइक इट। सो फॉर द मेन कोर्स मैंने यहाँ पर ऑर्डर करी है ये इनकी डीलक्स थाली, और इस थाली के अंदर मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ क्या क्या है। सो दिस इज़ जीरा राइस, और साथ में ये मुझे इन्होंने दिए दाल मखनी, दिस इज़ मिक्स वेज, शाही पनीर, रायता, और ये ब्रेड्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ विद दाल मखनी। तो दाल मखनी की जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी सही लग रही है मुझे, और इसमें बटर और क्रीम दोनों अच्छे से डाला हुआ है, तो मैं एक बार इसको ट्राई करके देखती हूँ। उप्स, सॉरी। दाल का टेस्ट काफ़ी अच्छा है, उसमें बटर का और क्रीम का बहुत अच्छा फ्लेवर मुझे पता चल रहा है। प्लस मैंने इसकी मेकिंग भी जैसे देखी थी, इसके अंदर कोई भी कलर्स, एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल कलर्स नहीं डाले हुए हैं, ये बिल्कुल ओरिजिनल इसका कलर है, इट इज़ रियली नाइस, और इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट अप मैं ऐसे ही एक बारी ये शाही पनीर ट्राई करके देखती हूँ। इसके अंदर काफ़ी अच्छे और बड़े पनीर के पीसेस डाले हुए हैं, प्लस काफ़ी थिक भी लग रही है ये मुझे। एकदम प्रॉपर जो शाही पनीर होती है, दिस इज़ नॉट स्वीट। मेरे को पता है यहाँ वेस्ट दिल्ली वाले ना सारे स्वीट खाते हैं ये ग्रेवीज, दिस वन इज़ रियली नाइस, स्पाइसी है और बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसका। और ये साथ में मैं राइस ट्राई करती हूँ इसके, ये जीरा राइस है। द बेस्ट थिंग इज़ ये नॉर्मल वाले वाइट राइस इन्होंने नहीं दिए जीरा वाले, इनको अच्छे से कुक करा हुआ है, इसके अंदर बहुत अच्छा जीरा का फ्लेवर आ रहा है। प्लस द बेस्ट थिंग इज़ ये नॉर्मल वाइट राइस नहीं है जीरा वाले, इसको अच्छे से कुक करा हुआ है मिर्ची डाल के। और ये जो थाली है जिसके अंदर आपको ये सब कुछ मिलेगा, दिस इज़ फॉर ₹200 ओनली, विच इज़ रियली कूल। आप इजीली एकदम बहुत अच्छे प्राइजेस में इस सारा खाना एंजॉय कर सकते हो। तो मैंने तो कर लिया सारा का सारा खाना ट्राई, और अगर आपको भी ये वीडियो देख के अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे कॉमेंट करके बताना सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी, और हाँ यहाँ आकर ज़रूर वो सारी चीज़ें ट्राई करना। तो अगर मैं बात करूँ मेरे फेवरेट चीज़ की, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आया यहाँ पर वो थे कुरकुरे चिकन मोमोज, और साथ में ही थाली। आपको बहुत अच्छी वैरायटी यहाँ पर मिल जाएगी खाने की एट वेरी गुड प्राइसेस, सो डू कम हेयर और ज़रूर खाना ट्राई करके मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। और हम मिलेंगे अगली वीडियो में, अंटिल देन एक्सप्लोर द स्ट्रीट्स एंड एंजॉय द सेवरीज़।